हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप बिना पिज़्ज़ा डो के पिज़्ज़ा का आनंद ब्रेड के साथ ले सकते हैं। तो जो जो सामग्री इसमें चाहिए होती है वो सब मैंने इकट्ठा कर ली है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं ब्रेड वाला पिज़्ज़ा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ऑलिव, मोज़रेला चीज़ और एक केचप का पैकेट। तो ये सारी सामग्री हमने इकट्ठा कर ली है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में हम निकाल लेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ऊपर से आधा चम्मच नमक और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए ये बनकर तैयार हो चुका है, अब हम ब्रेड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का पैकेट लिया है, जितनी ब्रेड मैं तैयार करने वाली हूँ उसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको हम इस तरह से फैलाकर रख देते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो सारी ब्रेड को हमने अच्छी तरह से जमा लिया है, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है केचप, तो इसे मैं खोल कर सारी ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा देती हूँ। टोमेटो केचप को हमें अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर फैला कर लगा देना है। उसके बाद जो हमने सब्जियां मिक्स करके रखी थी वो हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर फैला कर रख देंगे। तो सारी ब्रेड पर हमने सब्जियां रख दी हैं, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मोज़रेला चीज। तो हमें फैला कर अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर मोज़रेला चीज डाल देनी है। उसके बाद ऊपर से हम इसके ऊपर रखेंगे ऑलिव, तो सारी ब्रेड के ऊपर हम ऑलिव रख देते हैं। अगर ऑलिव आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, तो सारी ब्रेड के ऊपर हमें चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो अच्छे से डाल देना है ताकि बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आए। तो अब बारी आती है इसे बेक करने की, तो जिस भी चीज़ में आप इसे बनाने वाले हैं उसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर उसके बाद हम एक एक करके ये सारी ब्रेड इसमें रख देंगे। सारी तो नहीं आएंगी लेकिन जितनी आएंगी उतनी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो पैन के ऊपर हमने चार ब्रेड रख दी है और इसको 10 मिनट के लिए मैं ढककर रख देती हूँ। तो चलिए हम इसे ढक देते हैं और गैस बिल्कुल मध्य रखनी है हमें। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है और हमारी ब्रेड जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइज़, हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस बना है। तो आप इसे सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, चीज़ है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और आप देख सकते हैं नीचे से ब्रेड बिल्कुल भी नहीं जली है, पैन में हमने कितनी आसानी से इसे बना लिया है। तो आप भी बनाओ, ट्राई करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।